हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिना। वेलकम बैक टू माय चैनल नील हिना ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। ये है नई नवेली दुल्हन के लिए, मैंने इस मेकअप को क्रिएट किया है। तो आपको मालूम ही है कि शादी में तो हम संगीत शादी या रिसेप्शन में पार्लर वाले के पास जाकर मेकअप करवा लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन बाद में क्या, जब हम मैरिज करके हमारे ससुराल में आते हैं तो हमें मेकअप अपने आप ही करना पड़ता है, दावत में जाना पड़ता है, कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके स्किन केयर रूटीन करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी टोनर। ये DIY टोनर है, इसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है। आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लें। आपको इसे स्प्रे कर लेना है और बाद में आपकी हैंड की हेल्प से टैप टैप करके इस जब तक ये अब्जर्व हो जाए तब तक आपको वेट करना है। अब जब ये अच्छे से सूख जाए और अब्जर्व हो जाए बाद में आपको आपके फेस पर लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम, गुड वाइब्स की है ये। तो मैं इसे डॉट डॉट करके मेरे पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करके अप्लाई कर लूँगी। आपको हमेशा मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं मेरे लिप पर लिप बाम लगाऊँगी। तो लिप बाम के लिए मैं यहाँ पर वादी हर्बल की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी लिप बाम है, आपको पहले से ही लिप बाम लगा लेनी है। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को अच्छे से लॉक कर देता है और आप जो भी फाउंडेशन आपकी स्किन पर अप्लाई करोगे वो आपकी स्किन में ये बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा और हाई एकदम अफोर्डेबल प्राइमर है। तो आप अफोर्डेबल में कोई प्राइमर यूज़ करना चाहते हो तो आप NYB का प्राइमर खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर आपको डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब आपको लगाना है फाउंडेशन। मैं यहाँ पर फाउंडेशन के लिए लैक्मे 925 CC क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज देती है और बहुत ही अच्छी CC क्रीम है। आप रोज़ रोज़ तो आपके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए CC क्रीम, क्योंकि आपको फाउंडेशन बहुत ही ब्लेंड करना पड़ता है और बहुत ही कवरेज देता है। तो आप इतना सारा मेकअप लेके तो आपके फेस पर लेके घूम नहीं सकते, तो आप CC क्रीम अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है और बाद में स्पंज की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करके इसे ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर करूँगी कंसीलिंग। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का कंसीलर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्किन टोन से दो से डार्क सॉरी लाइट कलर कंसीलर लेना है। तो मैं यहाँ पर कंसीलर मेरी अंडर आई पर सभी जगह पर मैंने लगा लिया है। अब मैं स्पंज की हेल्प से इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं पाउडर सेटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पर HR का पैलेट ले रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर का। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैंने इसे कई बार यूज़ कर लिया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो आपको आपके पूरे फेस पर, नेक पर, ईयर पर सभी जगह पाउडर सेटिंग करनी है जिससे आपका फाउंडेशन टच से मस ना हो और आपका कंसीलर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। तो आईब्रो फिल करने से पहले मैं स्पूल की हेल्प से मेरी आईब्रो को कॉम कर रही हूँ जिससे हमारी जो नेचुरल आईब्रो है वो हमें दिखाई दे। तो अब मैं यहाँ पर मिस क्लियर की ये डार्क ब्राउन कलर की जो पेंसिल है उससे मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। यह स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है आपकी आईब्रो फिल करने के बाद। अब मैं यहाँ पर आई मेकअप करूँगी। तो मैं यहाँ पर मार्स का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से जो ये ग्रीन कलर है उसे मैं ये ब्रश की हेल्प से, ये फ्लैट ब्रश है, इसे मैं इस ब्रश की हेल्प से मेरी आई लिड पर अप्लाई करूँगी। मुझे मालूम है कि ब्राउन कलर हमारी सॉरी आई लिड नहीं क्रीज पर
हमारी क्रीज पर ब्राउन कलर अप्लाई करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक नया लुक क्रिएट कर रही हूँ। मुझे ऐसा एक आइडिया आया है कि मैं क्रीज पर जो मैंने साड़ी पहनी है और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करूँ, तो यहाँ पर मैं क्रीज पर ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं अच्छे से इसे सिर्फ अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ अभी। अब मैं दूसरा ब्रश लूँगी और ये रेड कलर है जो इस पैलेट में, उसे मेरे ब्रश में लेकर एक्सेस को रिमूव करूँगी और बाद में मेरी आईलिड पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये एकदम मैंने अलग आई मेकअप किया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे मेकअप किया है। अब मैं फ्लफी ब्रश लेकर, ये ब्लेंडिंग ब्रश है तो मैं इसकी हेल्प से जो रेड और ग्रीन के बीच में जो लाइन हुई है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे जो हार्श लाइन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। अब मैं करूँगी आईलाइनर, तो आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर पेन जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, ये बहुत ही अच्छा जेल आईलाइनर है। तो आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये पेन जेल आईलाइनर जो निकली है वो बहुत ही अच्छी है, आप जल्दी जल्दी इसे लगाकर छोड़ सकते हो। लिक्विड और जो दूसरी आईलाइनर आती है उसमें आपको देर लग सकती है, तो आप जल्दी जल्दी और गाय गाय में जाना चाहते हो तो आप पेन जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आईलाइनर कर दिए दोनों आई पर। अब मैं लगाऊंगी काजल, तो काजल के लिए मैं यहाँ पर NYB का काजल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसे लोअर लेश पर और अपर लेश पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आपको अंदर अंदर ही काजल को अप्लाई करना है, ये बहुत ही अच्छी काजल है और अफोर्डेबल है, तो आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर काजल को अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं करूँगी ब्लश, कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पर फेसेस कैनेडा का जो 3 कॉन्टोरिंग ब्लश और हाइलाइटर का जो 3 पैलेट आता है वो मैंने यूज़ किया है। तो पहले मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, तो मैं मेरी चीक बोन्स पर, फोरहेड्स पर, नोज़ के आसपास और फेस के नीचे की साइड कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, वो आपकी फेस के जो नेचुरल कट होते हैं उसको दिखाने में आपकी हेल्प करता है। और आप अच्छे से कॉन्टोरिंग करोगे तो आपके जो नेचुरल कट है वो अच्छे से दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर करूँगी ब्लश, तो ब्लश के लिए मैंने जो इसमें दिया हुआ है पिंक कलर वो ही लिया है, ये बहुत ही अच्छा ब्लश है। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मेरी चीक पर अच्छे से एकदम नेचुरल दिखे, ये एकदम नेचुरल कलर देता है हमारी चीक को। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटिंग करूँगी, तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है हाइलाइटर उसे यूज़ करूँगी और ये ब्रश लूँगी। मेरा फैन ब्रश मिल नहीं रहा है इसलिए मैं इससे हाइलाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से हाइलाइटिंग हो गई थी, आप देख लेना बाद में। आप देख रहे हो ये भी हाईलाइट, मैंने जब इसे ख़रीदा था तब मुझे ऐसा लगा था कि हाइलाइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे 2 से 3 बार अप्लाई किया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इससे ही अच्छे से मेरे फेस पर हाइलाइटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग कर ली है, अब मैं क्या करूँगी, मेरी आई की इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा ब्रश में लेकर अप्लाई कर लूँगी, जिससे मैंने जो आई मेकअप किया है वो उभर के आए और बहुत ही अच्छा दिखे। अब मैं थोड़ा प्रोडक्ट लेकर मेरी ब्राउ बोन पर लगाऊंगी, ये स्टेप भी बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपका आई मेकअप एकदम अच्छा दिखता है। तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से
अप्लाई कर लूँगी और बाद में फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लगाऊँगी मेकअप फिक्सर। तो यहाँ पर मैं NYB का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद आपका मेकअप एकदम सेट हो जाएगा। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो पहले मैंने जो लिप बाम लगाई थी वो रिमूव कर रही हूँ। बाद में मैंने फिर से लिप बाम लगाई, जिससे मैं लिपस्टिक लगाऊंगी वो एकदम अच्छे से मेरी लिप पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं लेरी रोड़ा का रेड कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, एकदम टोमेटो रेड कलर बोलते हैं ना, वो कलर है। तो ये मेरी साड़ी के साथ अच्छे से मैच हो रहा है। तो आप देख रहे हो मैंने मेरी लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है और थोड़ी सी साइड पफ वाली हेयर स्टाइल कर ली है। अब मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ रेड कलर की। नई नवेली दुल्हन हो तो ये सब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सिंदूर लगा लो, ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और शादी के बाद तो ये परमानेंट हो जाता है सिंदूर लगाना। तो आप ये लगा लो, बाद में आप थोड़ा ज्वेलरी पहन लो। तो यहाँ पर मैं इयररिंग पहन रही हूँ। या अभी ये लंबी लंबी इयररिंग ट्रेंडिंग में है तो मैं इसे पहन रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। अब मैं पहनूँगी बैंगल्स, तो ये भी मैंने मैचिंग के लिए हुए हैं। तो आप बैंगल्स पहन लो। नई नई ली दुल्हन हो तो आप ये आप देख रहे हो मैचिंग के बैंगल्स पहन रही हूँ, वैसे आप पहन सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, ये देख लो, ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं एकदम मैचिंग के। बाद में आपको मंगलसूत्र पहनना है, वो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है शादी के बाद, तो आप मंगलसूत्र पहन लो। तो ये हमारा है फाइनल लुक। आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी इंस्पायर होगी और ऐसे ऐसे मेकअप लुक आपके लिए लाती रहूँगी। तो ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।